बंगाल हिंसा पर भड़की हाईकोर्ट, 4-13 मई के चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, ये लोग शांति कायम नहीं रख सकते। रामनवमी जुलूस के दरमियान पश्चिम बंगाल के कुछ जगहों पर हिंसा हुई, दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा ममता बनर्जी पर मुसलमानों के मन को बढ़ाने का आरोप लगा रही। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और फिर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी, कह दिया ये लोग चुने हुए प्रतिनिधियों के लायक नहीं हैं, 4 और 13 मई को होने वाले चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। पूरी खबर क्या है, हाईकोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, उनके तल्ख टिप्पणी के मायने क्या हैं, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर कहानी क्या है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को रामनवमी उत्सव के दौरान बंगाल के मुश्ताबाद जिले में झड़पों पर निराशा व्यक्त की। हाईकोर्ट ने कहा 6 घंटे के उत्सव के दौरान शांति बनाए रखने में असमर्थ लोग निर्वाचित प्रतिनिधित्व के लायक नहीं हैं। पीठ ने कहा क्षेत्र में 4 और 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल में रामनवमी समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के मुश्ताबाद जिले में 2 समुदायों के बीच झड़पों पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने चुनाव आयोग को बहरामपुर में लोकसभा चुनाव स्थगित करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव दिया। अदालत मुश्ताबाद के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में 13 और 17 अप्रैल को हुई झड़पों की जाँच CBI और NIA से कराने के अनुरोध वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा यदि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर 2 समूह लड़ रहे हैं तो उन्हें किसी चुने जनप्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है और ऐसे में चुनाव एक और समस्या पैदा करेगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस TS शिव गणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव आयोग को एक सिफारिश करने का प्रस्ताव दिया कि जब लोग 8 घंटे तक शांति से किसी अवसर का जश्न नहीं मना सकते तो वे संसद में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के हकदार नहीं होंगे, इसलिए बहरामपुर का चुनाव टाल दिया जाए, चुनाव रद्द कर दिया जाए। मुश्ताबाद की घटना पर नाखुशी जताते हुए पीठ ने कहा यदि लोग शांति सद्भाव के साथ नहीं रह सकते तो हम चुनाव रद्द कर देंगे, हम कहेंगे कि आयोग इस जिले में संसदीय चुनाव नहीं कराए। अगर लोग शांति और सद्भाव से नहीं रह सकते हैं तो हम चुनाव रद्द कर देंगे। यदि आदर्श संहिता के बावजूद लोगों के 2 संप्रदाय इस तरह से लड़ रहे हैं तो उन्हें एक निर्वाचित प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कहा, समाचार रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में रामनवमी पर लगभग 33 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पहले भी रामनवमी पर मुश्ताबाद में उन स्थानों पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, क्या हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे? चीफ जस्टिस ने कहा खबरों के अनुसार कोलकाता में रामनवमी पर लगभग 33 कार्यक्रम आयोजित किए गए लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, या देखते हुए कि दोनों याचिकाकर्ता इस बात पर सहमत है कि पहले रामनवमी पर मुश्ताबाद में उन जगहों पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। अदालत ने पूछा कि क्या इसमें बाहरी लोग शामिल थे? विश्व हिंदी परिषद के कोलकाता क्षेत्र के संयोजक अमीय सरकार और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्रीय संयोजक SA अफजल ने जनहित याचिका दायर की है। पूरी खबर क्या है, तो हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आप क्या कुछ सोचते हैं, उनकी तलब टिप्पणी पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।